महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि उनका अखंड भारत में पूरा विश्वास है उन्होंने कहा कि हमें लगता है कि एक दिन कराची भी भारत का हिस्सा होगा फडणवीस ने यह बात मुंबई की एक घटना को लेकर कही जिसमें एक शिवसेना कार्यकर्ता ने मिठाई की एक दुकान के नाम से कराची हटाने को कहा है क्योंकि वो पाकिस्तानी शहर है उसने बांद्रा में कराची स्वीट्स के मालिक से कहा कि वो ऐसा नाम रखे जो भारतीय या मराठी हो कार्यकर्ता की हरकत से घिरे शिवसेना ने खुद को अलग कर लिया है पार्टी के प्रवक्ता संजय राउत ने कहा है कि कराची स्वीट्स और कराची बेकरी मुंबई में साठ साल से हैं उनका पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है अब उनमें नाम बदलने को कहने का कोई मतलब नहीं है ये शिवसेना का आधिकारिक स्टैंड नहीं है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा के कई नेता पहले भी अखंड भारत को लेकर बात करते रहे हैं अल जजीरा से एक इंटरव्यू में राम माधव ने कहा था कि आरएसएस मानता है कि एक दिन भारत पाकिस्तान और बांग्लादेश जो महत्व कुछ दशक पहले अलग हुए हैं वो फिर से साथ आएंगे और अखंड भारत बनेगा मार्च 2019 में संघ के इंद्रेश कुमार ने दावा किया था कि भारत और पाकिस्तान 2025 तक एक हो जाएंगे और भारतीय फिर लाहौर में बसेंगे पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी भी यूरोपीय यूनियन की तर्ज पर भारत पाकिस्तान के एक साझा संगठन की वकालत कर चुके हैं शिवसेना भी अखंड भारत पर मुखर रही है खासतौर से अनुच्छेद 370 हटाने के बाद पार्टी ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को भारत में मिलाने की वकालत की होगी देखना होगा कि भाजपा नेताओं का यह सुनहरा सपना कब तक सच होता है न्यूज रूम से नदीम अहमद की रिपोर्ट